आज की कहानी है काला जादूगर, परी और जादू का खजाना। एक बार की बात है, एक जादुई जंगल था। उस जंगल में जितने भी पशु पक्षी और जानवर रहते थे उनमें जादुई शक्तियां थी। उसी जंगल में एक जादुई परी भी रहती थी जो कि बहुत ही बुद्धिमान थी और बहादुर थी। इस जंगल का पता एक काला जादूगर को पड़ गया। वो काला जादूगर सभी जादू को चुराने और बुरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक दुष्ट योजना के साथ जंगल में आया। अपने साथ वो एक पेटी भी लेकर आया जिसमें सारी शक्तियों को वो कैद करने वाला था। जंगल के जानवर यह सब सुनकर बहुत डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। परी जानती थी कि जादू और जंगल को बचाने के लिए उसे तेजी से काम करना होगा। वो अपने दोस्त ड्रैगन फ्लाई के साथ उड़ी और सभी जानवरों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर एक तरकीब बनाई। जैसे ही रात हुई तो काला जादूगर ने जंगल वासियों में से शक्तियां निकालकर पेटी में भरना शुरू कर दिया। जहां काला जादूगर यह सब कार्य कर रहा था वहां सभी पशु पक्षी और जानवर तरकीब के अनुसार पहुंच गए और काला जादूगर का ध्यान भटकाने के लिए नाचना और गाना शुरू कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर परी और ड्रैगन फ्लाई पेटी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर परी ने अपनी जादू की झड़ी घुमाई और उसको घुमाते ही पेटी खुल गई। जैसे ही पेटी खुली तो सभी शक्तियां बाहर आ गई और सभी जंगल वासियों में वापस से जादू आ गया। अब सभी जानवर बहुत ही खुश हुए और झूमने लगे। वहीं काला जादूगर को पता चल चुका था कि यहाँ उसकी बात नहीं बनेगी तो वो भी जंगल छोड़कर चला गया। सभी जानवरों ने परी को धन्यवाद कहा और इस तरह उनके जंगल में जादू बना रहा। प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।